दोस्तों की वर्षगांठ मना रहे हैं। यह उपलक्ष हर प्रत्येक बॉम्बे सैपर के लिए एक गर्वमय पर्व है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जो बहुत ही जानी मानी गई है और उनका नाम बॉक्सिंग के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं ऑनरी कैप्टन गोपाल नारायण देवांग। कैप्टन देवांग, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैप्टन देवांग, आपने बॉक्सिंग के फील्ड में बहुत लंबा सफर तय किया है जो बहुत ही सराहनीय है। आप अपनी उपलब्धियों पे कुछ प्रकाश डालिए। मैं एज ऑफ 10 ईयर से बॉक्सिंग करता था। मैं हिंदुस्तान एंटीबॉडी स्कूल में पढ़ता था। मेरे फादर वहाँ हिंदुस्तान एंटीबॉडी स्कूल थे और मेरे फादर ब्रिटिश आर्मी में थे। मैंने 1941 में उनका बहुत इंटरेस्ट था कि क्योंकि वो एग्रेसिव टाइप के ये थे, थोड़े जोशीले इंसान थे। कि वो मतलब कोई उन्होंने देखा बॉक्सिंग चल रहा है तो हमारे रघुनाथ सर जो इस पीढ़ी के कोच थे उनसे डैड ने बात किया कि मेरा बेटे को बॉक्सिंग करवाना है। और वो 10 साल के एज में फर्स्ट डे जो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया वहाँ तो सब लोग बोले कि नहीं ये बन सकता है उसके लिए। और उस एज में जो जैसा स्पोर्ट्स चलता था उस एज में मैं एक जनरल नॉलेज किताब पढ़ता था। अच्छा। तो उसमें मैं देखता था हाईएस्ट अचीव हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है। उस टाइम में देखता था मुझे फिर अर्जुन अवार्ड दिखता था, फिर सबका नाम दिखता था उसमें बॉक्सिंग में कौन कौन है। तो उसमें मेनू मेहताब सिंह हवा सिंह सब नाम आनेगा। मैं सोचने का ये अवार्ड मैं लूंगा। और ऐसे ट्रेनिंग करते करते फिर मैं सिविल में काफ़ी टाइम ट्रेनिंग होने के बाद मैं जब नेशनल चैंपियन हुआ तो फिर मुझे शिवाजी और भोसले मेरे घर आए थे। एक कॉम्पिटिशन में उन्होंने मुझे देखा था और मेरे घर आके मेरे फादर से बात किया उन्होंने और उन्होंने बताया कि इनको अभी भी लेके जाएंगे, ये अच्छा बॉक्सर होगा। हमको उस टाइम बहुत क्रेज था, बॉम्बे सैपर्स के बॉक्सर बहुत टॉप थे, पांडुरंग बोले गोपाल बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सर काम रहे सोनू ने नाच रहे ऐसे बॉक्सर्स थे कि हम उनको देखते हम जब उनका बॉक्सिंग देखने आते थे और हम भी कॉम्पिटिशन में होते हम जूनियर्स थे वो सीनियर्स थे उनके बच्चे इतने टफ और ऐसे मजेदार देखने में मजा आता था। हम लोग मैं ज्वाइन करूँगा पक्का। मैं एज ऑफ 17 ईयर 1 मंथ मेरा हो गया था उस टाइम मैंने ज्वाइन किया आर्मी। और वो जिस बॉक्सर से मैं लड़ता रहा था मुझे एक था कि मैं सीनियर से लड़ूंगा। मैं जूनियर था, मैं सीनियर से लड़ता था उनके साथ बहुत टफ मेरी बॉट होती थी। चैलेंज में जो भी रहे देखा जाएगा। फिर मैंने ऐसे करते करते फिर मैं जूनियर नेशनल और 2 साल चैंपियन सर्विसेज की तरफ से रहा। फिर सीनियर नेशनल काफ़ी टाइम रहा मैं 4-5 साल में। सीनियर नेशनल में 7 ईयर चैंपियन था, सर्विसेज सीनियर सर्विसेज 5 साल था चैंपियन। फिर ऐसे करते करते फिर जैसा नेशनल फर्स्ट चैंपियन हो गया तो इमिडिएटली एक ट्रिप था साउथ एशियन गेम्स का जिसमें सिलेक्शन तो हो गया मेरा कि जो टीम जाएगी तो वहाँ जाने की तैयारी चल रही थी। और उसी बीच समझ में आया कि 2 वेट कैटेगरीज कंट्रीज के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, एक मेरा वेट कैटेगरी और एक सुपर हैवी वेट का। तो मैं एकदम मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल है और इसी में ऐसा प्रॉब्लम्स आया कि 2 वेट कैटेगरी ड्रॉप कर रही। फिर बाद में कुछ बड़े हाई कमांड से उनका बातचीत होने का तो वो वेट कैटेगरी को इंक्लूड किया गया। फिर मैं गया वहाँ पर बांग्लादेश फिर पाकिस्तान जो भी श्रीलंका 3-4 बॉक्सर्स थे उनको सबको बीट किया। सेवन कंट्रीज का था। फिर ऐसे करते 1985 की बात होता था मैं जो मैं सैफ गेम 85 का ढाका में खेल रहा था जब मेरा हाथ बिल्कुल खराब हो गया था। हाँ ये फ्रैक्चर हो गया था इंजरीज के कारण। मेरा फाइनल में बॉल था पाकिस्तान के साथ और मेरा मुझे टेम्परेचर भी लग रहा है अच्छा सब सफेद दिखा रहा था। लेकिन वहाँ डॉक्टर मेडिकल चेक करते समय पाकिस्तान का डॉक्टर भी चेक कर रहा था, इंडियन भी चेक कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान के डॉक्टर को फिर रिक्वेस्ट किया इंडियन डॉक्टर ने कि खेलने को बोला ठीक खेल सकते हैं बेटा। उसने भी अच्छा रिस्पेक्ट से बोला हाँ ठीक है खेलना खेलो हमें। और फाइनल में खेलने के पहले मेरे हाथ को स्टोन कर दिया गया इंजेक्शन दे के बहुत प्रॉब्लम है। जैसा फिर फाइनल में पाकिस्तान के साथ रहा तो मैंने उसको विद इन 30 सेकेंड नॉकआउट कर लिया। कंटिन्यू हिट कर एशियन सिल्वरिस्ट था वो बॉक्सर उसको इतना कंटिन्यू हिट्स मार के वो जब नीचे गिर गया उसको स्ट्रेचर पे लेकर गए
तो इंडियन कॉन्टिजेंट के जितने लोग थे कबड्डी टीम में, बाकी सब टीम रिंग में घुस गए, मुझे उठाया और एक कह सकते कि अपना ये जो पाकिस्तान से है अपना दोनों से बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होती है। जी जी बिल्कुल। बाकी किसी से भी हारो कोई इतना वो सॉल्व हो जाता, लेकिन पाकिस्तान से हारने से बहुत बेइज्जती होने का बात था। मुझे लगा मेरा लास्ट प्लेयर, अगर ये मैं हार गया तो मैं छोड़ दूंगा बॉक्स। तो इस चीज ने आपको और जोश दिया? हालांकि मेरा फिट प्लेयर को ऐसा ये आ गया था क्योंकि मुझे लोग कि अपने बहुत ये चीज का ध्यान रखे जाते हैं कि पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए, किसी से हारा नहीं चलता है। तो वो बॉल मैंने जीत लिया, भी सभी ऊपर आगे उठाया, मुझे बहुत ये करते हैं सब आगे बढ़ते बढ़ते। हर नेशनल में फिर मेरा एक नेशनल था 1986 का, जिसमें पुणे में नेशनल था। और यहाँ एक एक ही नेशनल्स में गड़बड़ होता है, जजिंग जो मैनुअल स्कोरिंग होता है उसमें एक बार सबमिशन दे दिया तो चेंज नहीं होता डिसीजन। तो हमारे नाम तो मैं लूंगा नहीं उस बॉक्सर का, वो हमारे सेंटर का ही था, वो महाराष्ट्र से रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं सर्विसेज से रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हमारे एक कोच उसके साथ थे, बीजी के कोच थे, वो बीजी के थे और मैं भी बीजी का। तो उन्होंने मुझे बताया कि देवान थोड़ा संभाल के नॉक आउट मत करना, 3 राउंड खेल लो तो जीतने वाले, ऐसा मुझे बता दिया। मैं भी एक सीनियर मीन्स रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है सर। जैसा मैंने 2 राउंड खेला मैं तो जीत गया, मुझे मैं जीत रहा हूँ। लेकिन फिर 3rd राउंड में जब मैं 2nd गेट में बैठ गया नीचे, जब मैंने ऐसा देखा तो जजेस के पास कोई घूम रहा था महाराष्ट्र का, क्योंकि वो महाराष्ट्र रिप्रेजेंट कर रहा था और मैं सर्विसेज कर रहा था। वो बीजी से रिटायर होकर रिटायर जल्दी निकल पाफायर के बाद रिसर्च अगर वो जॉब करते करते वो बॉक्सिंग भी करता था, अच्छा बॉक्सर था। फिर वो जब मुझे मालूम पड़ा कि कुछ सब मेरे फ्रेंड्स भी चिल रहा था गड़बड़ होगा, फिर मैंने नॉकआउट कर दिया। 3rd राउंड में उसको फिर स्लिप कर दिया। फिर मैंने उनके कोच को बताया, वो मेरे भी कोच कुछ टाइम थे, मैंने उनको बोला सर ये अच्छा नहीं, आपने मुझे बोला स्लो आराम से जीत रहा है मत कुछ करना, और वहाँ देखा तो वो मेरा स्कोरिंग चेंज कर रहे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि नहीं, जब भी है नेशनल में खेलना है तो आप देखना है, जैसा मौका मिले हार्ड हिट से उसको नीचे गिरा नहीं करना। ऐसा मैंने 7 ईयर नेशनल्स में किया, 7 ईयर्स में मेरा नॉकआउट रहा। फिर मेरा पंच के बारे में हमारे ग्रुप में या फिर कोचेज कुछ बोलते थे, गोपाल देवान का गुड नाइट पंच है ये, जब माँ आता है इवनिंग में फाइट खेलने के लिए हाथ शेक हैंड करता है और उसके बाद ऐसा गिरा रहता है कि वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मिलता हो जो भी है बॉक्सर मेरे साथ, ऐसा काफी नाम है ऐसे मिलते रहा। फिर मेरा एक एशियन गेम्स का 1988 की बात है, बड़ी दुख की बात है, अभी वो शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 1988 में मैं ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हो गया था, मैं मनोज पिंगले शाह बिरजदार जयराम और मिले हूँ, सिलेक्शन हो गई, मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस भी कर दिया उसको कि बताया मुझे कि क्लियरेंस हो गया। हम लोग बहुत मैं तो 6 महीने से ट्रेनिंग करता हूँ ओलंपिक के लिए, सीओ ओलंपिक 88 का। वो तैयारी के दौरान जाने का समय आया तो मिनिस्ट्री से 2 नाम हमारे कोचेस ने कटवाए, कोचेस ने बोला कि इस वेट गोपाल देव की वेट कैटेगरी में और जयराम की वेट कैटेगरी में अपने एशिया में कोई मेडलिस्ट नहीं है वर्ल्ड में। और मुझे किताब बॉक्सिंग का किताब पढ़ने का मुझे शौक था, तो मैंने बताया जब उन्होंने मुझे बुलाया स्पिनर ने मुझे बोला तो मैं मतलब सर 5 मिनट मुझे टाइम दो, 24 नंबर गेट में कोचेस रहते थे, 25 नंबर में लाइब्रेरी 10 फुट थी हमारी, वो किताब मैं लेकर आया और मैंने उनको खोल के दिखाया, सर ये साउथ कोरिया का बॉक्सर है जिसने वर्ल्ड में मेडल लिया एशिया का, हमारा एशिया कॉन्टिनेंट का बॉक्सर है, देखो आप मुझे गलत बता रहे, मेरे वेट का डिग्री का ही रखा। फिर मैंने बोला बेटा अभी हो गया अभी कुछ कर नहीं सकते, बस मैंने सर मिनिस्ट्री क्लियर किया मैं 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को ऑल गेम जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, हमें अच्छे पर लोग मैंने बताया, मैं अभी कुछ खो नहीं सकता बोला। तो मुझे इमिडिएटली 1-10 दिन में कुछ रशिया का था ट्रेनिंग का कॉम्प्लेक्स वहाँ भेज दिया मेरा दिमाग ठीक करने के लिए, और मैं आर्मी में था इसलिए मुझे ज़्यादा बात नहीं कर, मैं इस बारे में बात नहीं करता था क्योंकि आर्मी का अपना डिसिप्लिन बहुत अलग है कि अपने किसी प्रेस के सामने बात करना ही गलत है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस कुछ भी नहीं चलो मीडिया ये सब बहुत अभी कैसे थोड़ा भी अपने थोड़ा ही बात करेंगे हम तो इमिडिएटली मालूम पड़ेगा।
और सबसे दुख की बात ये हुई मैं ओलंपिक को नहीं गया, मैं नहीं गया तो मुझे दुख की इस बात का है कि मेरे वेट कैटेगरी में कोरिया का बॉक्सर ने गोल्ड मेडल लिया जिसके साथ मैंने बॉल किया था 6 मंथ बिफोर दिसंबर 87 में मेरा उसका बॉल हो गया था जिसमें उसको मैंने बीट किया ऐसा बोल के पूरा पब्लिक आ गया था देवांग देवांग करके सब आया तो 3-2 डिसीजन में मुझे लॉस कर दिया। लॉस का रीजन भी था कि उस टाइम अनमोल चौधरी प्रेसिडेंट था वर्ल्ड बॉक्सिंग का पाकिस्तान का, वो भी नहीं चाहता था उस टाइम कि इंडिया को कोई मेडल मिले, तो मेरा जो वो मुझे मेडल तो मिला लेकिन मैं उस टाइम अगर उसको मैंने इतना टफ बॉल देने के बाद मुझे ओलंपिक को चांस नहीं मिला, वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया उसने। मैंने एशियन गेम्स में सेम कंडीशन ऐसा ही हुआ, एशियन गेम्स में तो चाइना में चाइना के साथ बॉल था, उनके पूरे पब्लिक आए थे क्लैप करते ना, क्लैप सभी बॉल में और क्लैप करते, मेरे बॉल में उनका क्लैप करना बंद हो गया था कि मैंने इतना पीटा था उसको तो क्लैप ही नहीं कर रहे थे। और उस टाइम जैसे तरह याद है कि हमारे एसपीटी के एसपीटी का उसके कमांडेंट ब्रिगेडियर संधु साहब थे, संधु साहब भी ताजुब क्या हो गया क्या हो गया, ये चीज की किसको उम्मीद नहीं, उम्मीद नहीं थी कि मैं जीत रहा हूँ। वो पॉलिटिक्स ऐसा था कि अगर मैं जीतता हूँ तो फाइनल मेरे साथ कौन था, पाकिस्तान का बॉक्सर था जिसको मैं पाकिस्तान के बॉक्सर को बीट करता हूँ तो फाइनल में मेरे साथ आएंगे ना, तो उस दौर पे आपकी जीत निश्चित थी, निश्चित थी। फिर उस टाइम चाइना को जिताया मुझे हरा दिया, मेडल तो था मेरा नहीं तो मेरा गोल्ड था मेडल उस टाइम, क्योंकि जो बॉक्सर उसको मैं गिरा गिरा के मारता था पाकिस्तान के बॉक्सर को वो बॉक्सर के साथ ही था। ऐसे बहुत से पॉलिटिक्स होते हैं लेकिन उस टाइम वो अभी कुछ नहीं पड़ेगा, उस टाइम तो बहुत दुख हुआ, काफी सब दुख हुआ यार ये ऐसा कैसा होगा, लेकिन एक खिलाड़ी के जीवन में ये चुनौतियां रहती हैं। तो कैप्टन दिवांग आपने इन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे, तो आपको ये 10 साल की उम्र से आपने बॉक्सिंग शुरू की, ये प्रेरणा आपको कहां से मिली, आपका परिवार या वातावरण? मेरे फादर इंडियन आर्मी थे, उन्होंने बातचीत किया था कोचों से, कोच जो हमारा अर्जुना राव सर थे एसपीटी के कोच थे, वो बॉक्सिंग के एडवांस कोर्सेज चलते हैं एसपीटी में जिसमें बॉक्सिंग जिम्नास्टिक स्विमिंग हॉकी उन्होंने सब कोर्स किया था। लेकिन हमारे जब यहाँ आए वो हिंदुस्तान एंटीबॉटिक्स में उनकी वाइफ और जॉब को थे, वो आए जो रिटायर होके तो उन्होंने वहाँ स्टार्ट किया, जो उन्होंने स्टार्ट किया तो फिर मेरे फादर उनसे मिले, बोले कि ऐसा मेरा बेटा है उसका नाम स्ट्रॉन्ग है, ऐसा छोटा सा था मैं गोल गोल मैं 5th में था जब मैंने स्टार्ट किया, वो मेरे जो कोच थे वो बहुत अच्छे थे, वो हम लोग को डाइट भी प्रोवाइड करते थे, घर में नॉन वेज ये ट्रेनिंग हो जाएगा तो इवनिंग में फिर खाना खाओ, दूध मॉर्निंग का दूध देते थे, सुबह 4 बजे उठ के वो कोचेस कोच आते थे, हर घर में घूमते थे जितने बॉक्सर्स थे ना सबके फिर नॉक करके उठाते थे हमको, हम लोग थोड़ा मस्ती गुरु शिष्य की वो एक अलग से बहुत अलग बात थी। फिर वहाँ से जब मैं जाने के जब हो गया तो मेरा शिवाजी राव उसके हमारे अपने कैप्टन उन्होंने बोला उस टाइम स्पोर्ट्समैन को बहुत ये था, उन्हें स्पोर्ट्समैन बीजी काफ़ी स्पोर्ट्समैन को दिखा अच्छा बॉक्सर भी मिल गया कोई टेस्ट नहीं, मैं भी जब गया मेडिकल को तो मुझे सिर्फ मेडिकल हो गया मेरा कोई टेस्ट नहीं हो गया, बॉक्सिंग का ट्रायल्स कंप्लीट कर रहा है ट्रायल्स में अच्छा खेला मैं हाँ, तो इमिडिएटली माँ सकलानी साहब थे डांडेकर साहब थे सी ओ साहब थे तो फिर हमारे मेजर जनरल रिटायर हो गए गोसाई साहब उस टाइम बहुत स्पोर्ट्स में मुझे तो कसम खाने को भी कसम खाने के टाइम मुझे मालूम नहीं था कि मैंने कैसे कसम खाना चाहिए, ये उन बॉम्बे सैपर्स जो है मान्य बहुत बड़ी बड़ा परमेर एक्चुअली मेरी फैमिली है बॉम्बे सैपर्स, मेरे माँ पिताजी गुरु के बाद मेरे बॉम्बे सैपर्स मेरा सब कुछ है, मैं आज तक रिटायर होने के बाद मैं कभी ये नहीं करता हूँ कि बॉम्बे सैपर्स बहुत ही अच्छा है हर चीज में अच्छा मोटिवेट करने के
और ऑफिसर्स को हर एक ऑफिसर को पहचान देते हर एक बॉक्स हर एक स्पोर्ट्स में जो अच्छा अचीव करता नारे को देवांग जा रहा वो ये जा रहा है इतना वो तो उनका लगाव था वो दिल से कहा नहीं डिसिप्लिन तो हम लोग थे हम लोग ऐसे थे वो सोचा नहीं थे और लेकिन आपके जो आपकी क्वालिटी थी उसकी पूरी पहचान की जाती थी हाँ ये क्वालिटी की पहचान बहुत होती है इंसान का क्या गुण है उस गुरु को पता था कि इस मेरा ये शिष्य इस चीज में अच्छा है और आपको उस चीज का पूरा उन्होंने दिल से कभी निकाल ही नहीं सकता थोड़ा बहुत होता है लेकिन बहुत मुझे संभाला कोचिंग के लिए कोचिंग फील्ड में भी संभाला मुझे फिर मैं ट्रेनिंग करता हूँ ट्रेनिंग के टाइम बच्चा ही था ना सर ऐसा भी हमारे बॉय स्पोर्ट्स कंपनी थी हमारे कमाने ब्रिगेडियर सर को हमारे जो एम जी कुमार सर वो हमारे मेरे वो उसी वो थे बॉक्सिंग के वो बिल्कुल हमारे चैम्पियनशिप भी लाए नेशनल्स में जूनियर्स नेशनल बहुत बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सर्स थे ये सब ये भूलने जैसी बात नहीं बॉम्बे सर्कस बहुत बढ़िया है काम में भी बढ़िया लोग अपने परिवार जैसा होता है वैसा मुझे रखा गया सालों के बाद आने पे भी आपको अलग नहीं लगता कि आप कहीं बाहर आए हैं आप जैसे परिवार में अपना परिवार ही है अच्छा है कैप्टन देवांग आपकी जो उपलब्धियां हैं वो प्रत्येक बॉम्बे सैपर के लिए गर्व ही है और उसके द्वारा आप आज ही क्या कहना चाहेंगे जो हमारे युवा पीढ़ी है युवा खिलाड़ी है उनके लिए क्या संदेश देंगे नहीं युवा सच्ची बोले युवा पीढ़ी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मोबाइल ये सब चीज से थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा सा कंट्रोल में रहे बहुत सी चीज अच्छी चीज मिलते हुए लेने की कोशिश कीजिए काफी टाइम उसको टाइम मत दो फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान दो अपना एम क्या है उस पर ध्यान दो क्या करना है बॉम्बे सर्कस के बॉम्बे सर्कस हमारे लिए इतना कुछ कर रहा था हमने क्या करना चाहिए सिर्फ बॉम्बे सर्कस में आके खाना ट्रेनिंग एक टाइम में बहुत से मकरेबाजी चलती है वो सब बंद करके सिंसियरली काम करो पूरे लगन के साथ लक्ष्य अभी आप गौरव सोलंकी को देखो गौरव सोलंकी का मैंने ट्रायल मैं तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी तो मैंने गौरव सोलंकी का ट्रायल कंडक्ट कराया सो पहले के डायरेक्ट उसका सिलेक्शन होना चाहिए मैं उन्होंने सिलेक्शन ट्रायल उसका कंडक्ट करा रहा है पूरा डिसिप्लिन के साथ आपने उसका ट्रायल्स का बात किया क्योंकि लोगों को भी ऐसा लगा कि मैं बॉम्बे सर को सपोर्ट कर रहा हूं ये कर रहा हूं मैं ट्रायल मुझे कॉन्फिडेंट था कि वो गौरव सोलंकी क्या बिल्कुल फेयर फेयर डिसीजन होना चाहिए तो उसने कॉमनवेल्थ का सिलेक्शन ट्रायल तक सम्मान शेख करके बॉक्सर है चैलेंज था पॉइंट स्कोरिंग में सम्मान का नंबर 1 था इसका नंबर 2 था मैं ट्रायल्स कंडक्ट कराने का मुझे पता था कि गौरव जीतेगा और वो क्लियर हो गया उसने जैसा ट्रायल कंडक्ट करा गौरव क्लियर जीत गया और वो जीतने के बाद इमीडिएटली एक महीने का जो कंपटीशन कॉमन गेम्स उसमें उसने गोल्ड लिया क्योंकि इंस्पायरिंग है मालूम पड़ता कैसे खेलना है नहीं तो फिर क्या होता कि अगर अपने दिमाग में होता कि हम तो ऐसे ऐसे ही हम लोग हमारा सिलेक्शन हो गया हमारा ऐसे सिलेक्शन हो गया हम नंबर 1 है वो दिमाग बॉम्बे सैपर्स सपोर्ट करना है और इनका काम की मेहनत करना कोचेस क्वालिफाइड होना जरूरी है हमारे पास हर चीज क्योंकि हर छह छह महीना हर दो साल में बहुत से रूल चेंजेस हो रहे हैं तो वो कोचेस को मालूम होना बहुत जरूरी है और वो कोच जो रूल चेंज होते हैं उस हिसाब से ट्रेनिंग चेंज होता है भाई एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि क्रिकेट आप देखो 60-60 था 50-50 हो गया 20-20 हो गया 60 में थोड़ा स्लो था 50 में थोड़ा स्लो स्पीड बढ़ गया 20 में बहुत स्पीड बढ़ गया और बॉक्सिंग का भी सेम ऐसे ही उपलक्ष
समारोह में अपने बहुत से गुरुजनों और अनुचरों से मिलने का आपको अवसर मिलेगा, आपको कैसा लग रहा है? मैं जब मैं मिलूंगा तो पहले तो मैं उनके पैर छूऊंगा और मेरे हाथ में पानी बोल देगा, मैं बहुत इमोशनल होगा जी, बिल्कुल जाहिर रहेगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी, खुशी की बात होगी और सब पुराने बातें याद आएंगी, हर एक को मिलके मैं उनके साथ बहुत समय निकालूंगा और अभी कैसा मैं भी थोड़ा मेरा एज उनके जैसे तो मैं भी थोड़ा बड़ा मैं एज में मेरे बेटे का भी शादी हुआ है जी। मैं भी ससुर हो गया हूँ तो मुझे उनके साथ टाइम निकालने में उनका एक्सपीरियंस शेयर करने में बहुत मजा आएगा, उनके साथ टाइम निकालने की कोशिश करूँगा, उनको कॉन्टेक्ट करूँगा, उनको मिलने जाऊँगा। मैं बहुत लोग को मिल के भी आया हूँ, बहुत से पुराने बॉक्सर्स को अभी भोसले साहब तो नहीं रहे, शिवजी भोसले साहब रहे, हकम सिंह साहब को मिला हूँ मैं, हमारे शांताराम जादव करके बॉक्सर अच्छे थे, शांताराम पवार पांडुर जो रहे वो गुजर गए, कुछ शिष्य भी होंगे। हाँ मेरे काफ़ी शिष्य हैं, मेरे बॉय स्पोर्ट्स को मेरे टाइम काफ़ी अच्छे बॉक्सर्स है, अब मैं उनके नेशनल सर्विसेज टीम का मैं कोच रहा हूँ इसका, उसमें भी मैं एक तो मेरा स्टूडेंट है वो दोनों चेहरा उड़ गया, हेड कोच है इंडिया टीम का, सीनियर एलीट एलीट का हेड कोच है, उसका नाम कुट्टप्पा लेकिन वो एम ई जी का है, ऐसे काफ़ी बॉक्सर्स हो गया। आज तो मैं सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन हूँ, मुझे 25 साल हो गए सिलेक्शन कमेटी में, 25 साल में 3-4 साल में मेरा गैप रहा बीच में, 2002 से 6 तक मैं मेरे काम में मैं फौज में था जी। तो मुझे स्पेयर का मौका नहीं मिला, मैं ट्रेनिंग बॉक्सर्स को दे रहा था, इसलिए उस पीरियड में नहीं हो गया, फिर उसके बाद से कंटिन्यू में रहा हूँ और 8 साल से मैं सीसी मंडी चेयरमैन हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि बॉम्बे सैपर्स में मुझे बेस्ट सर्विसेज स्पोर्ट्समैन अवार्ड मिला है। मैं आपसे वही पूछने लगी थी कि आपने अर्जुन अवार्ड से आप सम्मानित किए गए हैं, ऐसा कौन सा और अवसर है जो आपके लिए आपके हृदय के बहुत पास है? अवसर वो इसलिए मुझे मेरे एकदम नजदीक है क्योंकि वो जो अवार्ड है ओवरऑल स्पोर्ट्स इन सर्विसेज जितने भी स्पोर्ट्स है उनके पॉइंट स्कोर होते हैं, उस पॉइंट में से एक ही डिसिप्लिन को दिया जाता है जी, तीनों सर्विस में आर्मी नेवी एयर फोर्स एक को दिया जाता है, जैसा हॉकी में कोई होगा इंडिविजुअल में वेट लिफ्टिंग में होगा जी, या बॉक्सिंग में होगा तो मुझे बॉक्सिंग में मिला है। अब बॉम्बे सर्विस में मुझे पहला मिला मेरे से उसके बाद किसी को मिला नहीं सर्विसेस। स्पोर्ट्स क्वार्टर बोर्ड में हम जाएंगे तो वहाँ सभी जितने लोग को मिला है उनके नाम है, उसमें मेरा नाम भी है, तो बड़ी उस टाइम मुझे एडमिरल नानकर्नी साहब ने दिया था अवार्ड, वो अवार्ड बहुत बड़ा, उसका वेट मेरे ख्याल 35-40 केजी चांदी का होता जी। लेकिन वो जब देते हमको तो छोटा देते हैं, बहुत वेट रहता उसका। और वो उधर वो दिल्ली में जब हम अवार्ड लेते तो सब हमारे ऑफिसर्स नहीं है, वो सब ऑफिसर्स होते हैं बड़ा, वो भी मुझे एशियन गेम जाते समय मिला था 1990 में, एशियन गेम जा रहा था, टीम चली गई थी 20 सितंबर 1990 को मुझे शायद मिला इस तरीके को। कैप्टन देवांग आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, आपका मैं बॉम्बे सैपर्स की ओर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। बॉम्बे सैपर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ और आप इस समारोह का पूरा आनंद उठाए और हमारे खिलाड़ियों को इसी तरह से आप प्रेरित करते रहे और भारत और बॉम्बे सैपर्स के लिए इसी तरह से उनका नाम रोशन करते रहे। धन्यवाद।